जनपद संभल के चंदौसी में सरकारी स्कूल में चल रहे निर्माण कार्य को नगर पालिका अध्यक्ष ने रुकवाया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी के सरोजनी नायडू जूनियर हाई स्कूल का है, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। आज दिनांक 25 अगस्त 2021 को सरोजनी नायडू जूनियर हाई स्कूल में नगर पालिका परिषद चंदौसी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य के उद्घाटन में नगर पालिका अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था, जिसके क्रम में वे उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची। वहां उन्होंने पाया कि निर्माण कार्य में मानक अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा, कार्य की लीपा पोती की जा रही है। इस पर पालिका अध्यक्ष नाराज हो गई। वजह निर्माण की फटकार लगाते हुए कार्य रोकने के आदेश दिए और कहा कि स्कूल बच्चों के पढ़ने का स्थान है, यह कार्य तभी शुरू कराएं जब निर्माण सामग्री गुणवत्ता पूर्वक हो। मैं नगर पालिका से जूनियर इंजीनियर के अग्रवाल। अभी ये सरोजिनी नायडू स्कूल में जो निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ भी चेयरमैन साहब ने निरीक्षण किया, देखा है अभी, तो यहाँ कुछ बताया कि कुछ घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, गुणवत्ता पूर्वक काम नहीं हो रहा है। सरोजिनी नायडू में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, चेयरमैन साहब यहाँ भूमि पूजन के लिए आई हैं और अभी जो मसाला जो बदरपुर आया है वो कुछ अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जिस कारण वो ऐसा लग रहा है मिक्स मसाले में कि तुम उसको ठेकेदार को बदरपुर बदलने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। चेयरमैन साहब ने अभी आपसे कहा था कि आप यही हैं, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ मुझे लग रहा है मिट्टी से निर्माण हो रहा है, सीमेंट का उपयोग कम हो रहा है, आपके सामने भी आपसे खुद चेयरमैन साहब ने कहा? हाँ, चेयरमैन साहब ने कहा है ना, तो भाई ऐसा है ना, उसके लिए हमने उसको निर्देश दिया है कि जो उनको प्रतीत हो रहा है कि बदरपुर की वजह से, क्योंकि बदरपुर मसाले में वो नहीं है, ठेकेदार मसाला तो 1-4 का मिला रहा है, लेकिन बदरपुर कुछ काला होने की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नहीं है, तो उसका या मिट्टी के कलर में दिखाई दे रहा है। वो मिट्टी के कलर तो बदरपुर के कई तरह के होते हैं, लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, काला भी होता है, तो जो मटेरियल था। चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि ये बच्चों के भविष्य का नहीं, बच्चों के भविष्य का तो है ही, बच्चों के भविष्य से कोई हादसा नहीं, बच्चों के भविष्य का तो है ही, और बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकता है, उसके भविष्य को कोई खिलवाड़ करने के लिए थोड़ी ना, हम तो इसके रिनोवेशन के लिए आए हैं। में जो निर्माण कार्य चल रहा है इसमें आपने बताया कुछ घटिया सामग्री लग रही है, सीमेंट कम लग रहा है, क्या आरोप जय साहब पे लगाया अभी आपने कहा, तो क्या है पूरा मामला? जय साहब खुद देखेंगे, जय साहब सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मटेरियल सही लग रहा है, अब पीट पुटू के जय को बुलाऊंगी, दिखाऊंगी, और बाकी ये बच्चों का स्कूल है तो मजबूती के साथ अच्छा काम होना चाहिए, ऐसा वैसा काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको दोबारा से काम करना। तो इसमें किसकी लापरवाही आपको लगी? लापरवाही भाई ठेकेदार को, जय साहब देखेंगे, जय साहब की भी लापरवाही वो देखें और बाकी ठेकेदार देखेंगे, ठेकेदार कैसे काम कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ थोड़ी, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करेंगे।